Hello friends, this is our cameraman Zohan and this is our super chef Zoya. Yes, and welcome to our channel Zoya's Cooking with Fun. आज मम्मा बनाने वाले हैं मेरी एक फेवरेट नाश्ता जो है वर्मिसली उपमा. यस, ये है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी और झटपट बनने वाली रेसिपी और हेल्दी. यस इट इज हेल्दी. ये आप ब्रेकफास्ट के तौर पे खा सकते हैं या इवनिंग स्नैक या कहीं पे भी ट्रैवलिंग के हिसाब से आप इसे डब्बे में टिफिन में पैक करके लेके जा भी सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ ताकि ये झटपट रेसिपी मैं आपको सिखा सकूं. तो दोस्तों, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वर्मिसली उपमा के. करी लीव्स, करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको मैंने एकदम बारीक चॉप नहीं किया है, बारीक कटा हुआ अनियन, क्यूब शेप कटे हुए 1 गाजर, थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ा सा पीनट्स, ऑयल और फाइनली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वर्मिसेली, जिसे हम उपमा बनाने वाले हैं. आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, मुझे प्रेफरेबली बॉम्बिनो का ही पसंद है. ये बनता है सूजी से, मतलब रवा से, और होता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की प्रोसीजर की तरफ. तो दोस्तों देखिए, मैंने पानी गर्म होते रखा है. पानी अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम सेविया ऐड करेंगे, नहीं तो सेविया पूरा चिकट चिकट हो जाएगा. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बूंदे ऑयल के, ताकि हमारा वर्मिसेली स्टिकी ना बने. डाल रही हूँ मैं इसके अंदर सेविया. तो देखिए, ये इसको आपको 2 से 3 मिनट बॉईल होने देना है. 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं, बिकॉज पानी ऑलरेडी गर्म था, बॉइल्ड था, ओवर कुक हो जाएगा तो ये चिपक जाएगा. ओनली 2 to 3 मिनट इसको आपको बॉइल पानी में ऐसे बस चलाना है, जोर से नहीं, सिर्फ एक ही साइड से आपको ऐसे चलाना है और चेक करना है. 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलूसेंट दिखने लगेगा वर्मिसेली. तब आप गैस को बंद करेंगे, सारा पानी स्ट्रेन करेंगे. तो दोस्तों, वर्मिसेली को मैंने स्ट्रेन कर लिया है. स्ट्रेन करने के बाद में मुझे इसको ऐसे नहीं छोड़ना है. नीचे एक बर्तन मैंने रखा है और इसके ऊपर मैं डालूंगी ठंडा पानी. ठंडा पानी मैं इसलिए डालूंगी ताकि ये जो गरम है ये और भी पक सकता है और उसके वजह से वर्मिसेली स्टिकी भी हो सकते हैं. ठंडा पानी मिलाने के बाद में ये देखिए कैसे ऐसे फ्री हो जाएंगे, है ना. तो यही चीज आपको भी करनी है. ओके, अब इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन होने दीजिए, हम बाकी के प्रोसीजर के लिए कंटिन्यू करते हैं. तो दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई रखी है, इसके अंदर जैसे ये कढ़ाई गर्म हो जाए आप डाल दीजिए 2 teaspoons ऑफ ऑयल. अच्छे से घुमा के सब जगह से डालिए ताकि कढ़ाई अच्छे से ग्रीस हो जाए. तेल अच्छे से गर्म होने के बाद में मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर बस थोड़ा सा ये राइस. ये बहुत ही ज्यादा यम्मी ब्रेकफास्ट होता है, बच्चे आसानी से शौक से खाते हैं इसको. आप जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी. और ये बॉम्बिनो सेविया भी आसानी से किराने की दुकान में मिल जाता है. आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जैसे डी मार्ट, बिग बाजार, वहां पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा. राई जैसे क्रैकल होने लगे मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ये पीनट्स. मैं पहले ही इसको फ्राई करने वाली हूँ, बाद में डालूंगी तो बहुत ज्यादा सॉगी और नरम हो जाएंगे. पहले पीनट्स को फ्राई इसलिए कर रहा है ताकि वो क्रंची और करारे लगे. इसको मुझे लाल होने तक अच्छे से फ्राई करना है. तो देखिए दोस्तों, पीनट्स हो गए हैं अच्छे से फ्राई.
और मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल यूज किया है, 2 टीस्पून नहीं, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ओके, मैं डाल रही हूँ पहले इसमें अनियन, साथ ही साथ ये हरी मिर्ची। कड़ी पत्ता इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो एकदम से ऐसे उड़ के आता है, तो अगर आप वो चाहते हैं वो ना हो तो आप पहले कड़ी पत्ता डालना अवॉइड कीजिए और बाद में डालिए, कोई बात नहीं, टेस्ट वो सेम ही देगा। इसे हमें एकदम लाल नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रखना है। अभी मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ऐसा चलाने के बाद में तुरंत ही मैं डालूंगी ये कैरेट भी। कैरेट डालने के बाद में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बाद में ऐड करना है मुझे नमक। इसको मैं पकाऊंगी अप्रोक्सीमेटली फॉर 2 मिनट्स ढक्कन लगा के, लिड लगा के कवर करके। तो दोस्तों स्लो गैस पे देखिए मैंने इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए पका लिया है, ज्यादा नहीं मुझे इसको पकाना है, थोड़ा क्रंचीनेस ये डिश में, ये ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर अपनी वर्मिसेली, देखिए पूरे एकदम खुले खुले हैं। तो प्रोसीजर मैंने बताया, अगर आप फॉलो करेंगे सेम टू सेम तो ऐसे ही खुले खुले वर्मिसेली आपको मिलेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1/2 टीस्पून, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। मुझे हाथ से नमक डालना बहुत पसंद है, मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस में बताती रहती हूँ। अब मैं इसे कर लूंगी, गैस को कर लीजिए इस दौरान फास्ट। देखिए मैंने कढ़ाई अच्छे से साइड से तेल डाला था सब जगह से, इसलिए वो चिपक नहीं रहे हैं, तो कढ़ाई को ग्रीस करना बहुत जरूरी है। कितने कलरफुल और कितने अट्रैक्टिव लग रहा है ये, है ना, यही चीज आपके बच्चों को भी अट्रैक्ट करेगी ऐसे टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने के लिए। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ कैरेट डाला है, आप चाहिए तो ग्रीन बीन्स डाल सकते हैं, ग्रीन पीस डाल सकते हैं, बटाना, हरे मटर, आपको जो पसंद है। मैंने आज शेंगदाना डाला है, मूंगफली, इसलिए मैं बटाने नहीं डाल रही हूँ। कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, आपका वर्मिसेली उपमा रेडी हो गया है, इसको मुझे कुछ पकाना नहीं है और बस वर्मिसेली और सब्जियां सब कुछ ऑलरेडी पकी हुई है। गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, देखिए क्या सुपर्ब लग रहा है ये, है ना। अगर आप भी ये टेस्टी नाश्ता बनाने चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखना भूलिएगा मत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे टेस्टी टेस्टी डिशेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।